वृश्चिक राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 27 मार्च 2020 का राशि फल। तो जय श्री राम दोस्तों, आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में पूरे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे 27 मार्च के पंचांग के बारे में। तो आज तिथि है तृतीया, नक्षत्र है अश्विनी, पक्ष है शुक्ल पक्ष और दिन है शुक्रवार। आज के दिन सूर्योदय हो रहा है 6:16 में और सूर्यास्त है 6:36 में। चंद्रोदय है 8:01 AM में और चंद्रास्त है 9:11 PM में। ऋतु है वसंत और आज का दिन काल है 12:20:05 का। महीना है चैत्र। आज आपके लिए शुभ समय है 12:01 से 12:51 तक। अशुभ काल शुरू होता है सुबह के 8:44 से 9:33 तक। दोबारा है 12:51 से 1:40 तक। राहु काल शुरू होता है 10:54 से 12:26 तक और दिशा शूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए आपके आज के दिन का अनोखा टोटका है, तो आप उस टोटके को देखें और फॉलो करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन आपके बॉडी में ऊर्जा की, आत्मविश्वास की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है और इस वजह से आपका स्वास्थ्य आपका साथ देने वाला है। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की ओर देखा जाए तो पैसों के लिहाज से आपका समय ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज के दिन आप फालतू के खर्चों पे कंट्रोल कर लें। वृश्चिक राशि के जो भी लोग आज से पहले पैसों की अहमियत को समझ गए थे, अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल कर लिए थे, उन लोगों को आज के दिन पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी लोग पैसे फालतू में खर्च करते थे, उन लोगों को आज के दिन पैसों की दिक्कत आएगी, इस बात को आप याद रखें। इसके बाद है आपका पारिवारिक जीवन। तो आज के दिन आपका पारिवारिक जीवन भी सामान्य रहने वाला है। अगर आपके घर परिवार का माहौल ज़्यादा बेहतर नहीं हो, आपके घर में कोई भी व्यक्ति तनाव में हो, परेशानी में हो, तो आप सबसे पहले अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के लिए उस इंसान को खुश करने का प्रयास करें जो आपके परिवार में दुखी है। इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और शानदार होगा। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध है। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से आपका समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचने का प्रयास करें जिन मुद्दों पर बात करने के बाद आप दोनों में विवाद की संभावना बढ़ जाती हो। ऐसे मुद्दों को आज के दिन अपने प्रेम संबंध से आप दूर रखने का प्रयास करें, यह बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके बाद है आपका कामकाज। दोस्तों, कामकाज में आज के दिन अपने कर्मचारी, अपने सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को आप बेहतर करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र बेहतर रहेगा। इसके बाद है आपका दाम्पत्य जीवन। तो आज के दिन आपके जीवन साथी से आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी होगी और आप महसूस करने वाले हैं कि आप दोनों में प्यार कितना ज़्यादा है। तो अब जानते हैं आपके आज के दिन के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि आज के दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। इस उपाय को फॉलो करने से आपका समय शानदार हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी।